सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है कि भाई जो स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम है वो होता क्या है, वो कैसा आपको भाई नजर कैसा आएगा आपको, ठीक है। तो स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम रिकॉर्ड करने के लिए आप एक काम करें, आप यहां देखें ये एक ग्लास ट्यूब है और यहां पर आपने जो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है वो आपने फिल कर रखी है बहुत ही कम प्रेशर के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पर इसके अंदर आपने भाई ये जो दो मेटेलिक प्लेट्स हैं इनको आपने भाई हाई वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर रखा है, यानी आप भाई इसमें से इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज एक तरह से भाई पास करते हो, ओके। आप इसके ऊपर भाई इस ट्यूब के अंदर आपने भाई जो हाइड्रोजन है वो बहुत ही लो प्रेशर पर आपने भर रखी है और फिर आप इसमें से भाई इसके इसमें से आप भाई करंट पास करते हो, आप इसके ऊपर भाई वोल्टेज अप्लाई करते हो, ठीक है। तो जब आप इसके ऊपर वोल्टेज अप्लाई करते हो तो ये जो ट्यूब है ये ग्लो करने लगती है, ठीक है। इसमें से भाई जैसे आपने देखा होगा ना भाई, हालांकि उसके अंदर हाइड्रोजन नहीं होती, जैसे आपने भी घर पे आपने ट्यूब्स देखी होंगी, ठीक है ना, जो आपकी भाई जो फ्लोरोसेंट ट्यूब होती हैं, ओके। तो उसमें से भाई जैसे रोशनी निकलती है वैसे ही आपने इस ट्यूब के अंदर आपने भाई कौन सी गैस भरनी है, यहाँ पर आपने भरनी है हाइड्रोजन। और जब आपने भाई इसमें से इसके ऊपर आपने भाई इस गैस के ऊपर आपने इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज इसमें से पास किया, इसके ऊपर आपने हाई वोल्टेज लगाई तो इसमें से लाइट एमिट होनी शुरू हो जाती है, इसमें से भाई रोशनी निकलनी शुरू हो जाती है। वो रोशनी फिर आप देखो भाई वो तो भाई चारों दिशाओं में निकलेगी, ये जो लाइट है भाई आप इसको फिर डालते हो एक स्लिट के ऊपर, स्लिट में से पास होने पर क्या होगा कि हमको एक नैरो बीम हासिल होगी इस लाइट की, ठीक है ना। और उस नैरो बीम के जो कंपोनेंट्स हैं अगर आप उनको एनालाइज कर पाते हो तो आप इस ट्यूब से निकलने वाली रोशनी को आप एनालाइज कर पाते हो, ठीक है। और ये भाई क्या है, डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग। देखो मैंने आपको बहुत ही सिंपल एक तरह से जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है वो दिखा रखा है भाई, ठीक है ना। जो एग्जैक्ट सेटअप है वो इससे कहीं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन यहाँ पर हमें चीज़ों को एक तरह से भाई हमने सिर्फ सीखना है, हमने उनका भाई आइडिया लेना है कि ये चीज़ ये काम कैसे करता है, ठीक है ना। हमने यहाँ पर भाई बहुत ज़्यादा डिटेल्ड इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब ये देखें कि जो डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग है, अब ये आपको पता है भाई कि ये प्रिज्म से बैटर एक तरह से भाई काम करती है भाई जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको सेपरेट करने में। तो डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग क्या करेगी, इस लाइट के जो कंपोनेंट्स हैं उनको सेपरेट कर देगी, ठीक है ना। तो लैम्डा वन लैम्डा टू लैम्डा थ्री ये अलग अलग वेवलेंथ भाई इस स्क्रीन के ऊपर अलग अलग पॉइंट पर क्या करेंगी, स्ट्राइक करेंगी, ठीक है। और अगर आप भाई इनकी जो इंटेंसिटी वो मेजर कर पाओगे, ठीक है ना, हालांकि यहाँ पर भाई इंटेंसिटी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर चलो हम सिर्फ बात कर लेते हैं पोजीशन की, ओके। तो इस तरीके से भाई यहाँ पर तो मैंने सिर्फ तीन ही आपको वेवलेंथ शो की है, लेकिन अलग अलग वेवलेंथ क्या करेंगी, स्क्रीन पे अलग अलग एंगल्स पे स्ट्राइक करेंगी, ठीक है। तो फिर हमने क्या किया, फिर हमने वेवलेंथ वर्सेज इंटेंसिटी, वेवलेंथ वर्सेज जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो इंटेंसिटी है उसको हमने प्लॉट कर दिया। हमने वेवलेंथ हमने भाई एक्स एक्सिस पे हमने क्या ले ली, वेवलेंथ, और वाई एक्सिस पे हम क्या लेते हैं यूजुअली, इंटेंसिटी। हालांकि यहाँ पर हमने आपको भाई सभी की इंटेंसिटी यहाँ पर शो नहीं कर रखी, लेकिन बात आपको पहले पड़े। अब ये आर क्या है, ये आर है भाई रेडबर्ग कांस्टेंट, आपने नाम सुना भी होगा, ये वेव नंबर में होता है। आर क्या होता है, रेडबर्ग कांस्टेंट, इसको भाई वेव नंबर में जनरली रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो आपने एक बात देखी कि ये आपको क्या, हमने यहाँ पर तो भाई मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन हमने फिल की थी, ठीक है। तो हम इसको हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम कैसे बोल रहे हैं, अरे भाई जब आप इसमें से इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज पास करोगे ना तो जो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन होगी वो टूट जाएगी, ठीक है, और आपको इसके अंदर मिलेंगे एटम्स, और फिर वो जो एटम्स हैं उनसे वो जो एक्साइटेड एटम्स हैं वो क्या एमिट करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ओके। तो भाई आप फिर देखें कि एटॉमिक हाइड्रोजन यहाँ पर एमिट क्या करती है, तो हमने देखा कि एटॉमिक हाइड्रोजन कितने वेव नंबर की रेडिएशन एमिट करती है, एक तो वो एमिट करती है 0.75 R, इतने वेव नंबर की रेडिएशन वो एमिट करती है। उसके बाद कौन सा वेव नंबर निकलता है भाई, 0.89 R, यानी कि 0.89 R से कम के और 0.75 R से ज़्यादा वेव नंबर का एक ज़्यादा वेव नंबर की एक सिंगल रेडिएशन इसमें से एमिट नहीं होती। उसके बाद 0.94 R की, उसके बाद 0.96 R की, ठीक है। तो आप एक बात देखेंगे भाई कि एक तो 0.75 में और 0.89 में ज़्यादा गैप होता है और 0.89 और 0.94 में कम गैप होता है, और उससे भी कम गैप किसमें होगा, 0.94 और 0.96 R के अंदर। तो आपने एक चीज़ देखी कि एक तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट होती हैं वो डिसकॉन्टिन्यूस है। डिसकॉन्टिन्यूस का मतलब क्या है कि भाई सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट नहीं होती,
जो आपकी लाइट की जो बीम है इसमें हर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रेजेंट नहीं है, इसमें या तो क्या प्रेजेंट है 0.75 आर वेव नंबर की रेडिएशन, या डायरेक्ट कौन से प्रेजेंट है 0.89 आर की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इनके बीच के वेव नंबर्स की रेडिएशन इसमें से क्या है अब्सेंट, ठीक है, फिर 0.94 आर 0.96 आर, और फिर भाई ऐसे आप इनको भी प्लॉट करते चलेंगे तो आपने एक बात देखी कि धीरे धीरे भाई कि इनमें जो सेपरेशन है वो लगातार घटता जाएगा और लास्ट में भाई और सबसे हाईएस्ट वेव नंबर की रेडिएशन कौन से मिट होती है 1 आर वेव नंबर की, कौन सी भाई 1 आर वेव नंबर की। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के इस सेट को हम क्या बोलते हैं, इनके जो 0.75 आर से लेके 1 आर के बीच में कुछ खास वेव नंबर्स की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो ये सेट है, ठीक है, इस सेट को हम क्या बोलते हैं लाइमन सीरीज, ठीक है। उसी तरीके से फिर आप देखें कि 0.75 आर से लेके 0.25 आर के बीच में एक सिंगल वेव नंबर की रेडिएशन एमिट नहीं होती, लेकिन उसके बाद 0.25 आर से लेके और 0. ये जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है 0.139 आर तक, यहाँ पर फिर से आपको भाई एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का आपको एक भाई सेट मिलता है कन्वर्जिंग सेट, यानी कि भाई इन दो रेडिएशन के वेव नंबर में ज़्यादा गैप है, इन दो रेडिएशन के वेव नंबर में गैप कम है, इनमें और कम गैप, उसके बाद क्या मिलता है आपको कॉन्टिनम, ठीक है। तो स्पेक्ट्रल लाइंस के सेट को हम क्या बोलते हैं बाल्मर सीरीज, और सिमिलरली भाई एक सेट आपको मिलता है फिर भाई इसको हम बोलते हैं पाश्चन सीरीज, ठीक है। तो आपने एक चीज़ देखी, तो भाई और सिर्फ यही नहीं, और सिर्फ यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का सेट नहीं, आप ये देखें भाई, ये अगर मैं इसको भाई वहाँ पर तो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को भी कैसे करेक्टराइज कर रखा था आर के टर्म्स में, आर जो भाई वेव नंबर के टर्म्स में होता है रिडबर्ग कांस्टेंट, अगर मैं एक्स एक्सिस को भाई मैं आर की टर्म्स में ना लेके हम इसको लेते हैं नैनोमीटर, यानी कि वेव नंबर के स्केल पर ना लेके आप इसको ले लें वेव लेंथ की स्केल, तब आपको भी क्या नजर आएगा, तो आप ये देखें 100 नैनोमीटर से लेके 10,000 नैनोमीटर, और ये भाई या आपको याद रखना है कि ये लीनियर स्केल नहीं, यहाँ पर क्या है ये लॉगरिथमिक स्केल, ताकि भाई इनको आप ज़्यादा अच्छे से आप भाई देख पाओ, ठीक है ना, अदरवाइज लाइंस को आप अच्छे से भाई देख नहीं पाओगे, क्योंकि अगर आप लीनियर स्केल लेते हो तो उस पर आपको लाइमन बाल्मर और पाश्चन सीरीज तो आपको नजर आ जाएंगी, लेकिन जो ब्रैकेट और पिफन सीरीज है वो आपको बिल्कुल एक क्या बोलते हैं भाई उसमें उस सीरीज के अंदर लाइंस तो काफ़ी हैं, लेकिन वो आपको एक सिंगल एक भाई एक थिक लाइन की तरह आपको नजर आएगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्लोज हैं तो उनका आपको भी एक गुच्छा नजर आएगा, ठीक है। और लॉगरिथमिक स्केल पे अपन को लेते हो तो आपको अपन को ज़्यादा अपन को भाई ज़्यादा बेटर तरीके से अपन को देख पाओगे, ठीक है ना। तो आप ये देखें कि ये क्या है लाइमन सीरीज, ये लाइमन सीरीज की था ना जो ये, अच्छा ध्यान रखना आपने भाई ये 0.75 आर था ना, ये 0.75 आर पे ही है, और जो ये लास्ट की लाइन है ये कौन सी आपकी 1 आर पे, लेकिन यहाँ पर हमने इसको भी दिखाया नैनोमीटर में, तो ये क्या है लाइमन सीरीज, ब्लैक लाइन ब्लैक कलर से हमने कौन सी सीरीज दिखाई है बाल्मर सीरीज, ये बाल्मर सीरीज क्या है अल्फा लाइन बोलते हैं, इसको अल्फा लाइन क्यों बोलते हैं आपको आगे बताएंगे, ये भाई आपकी क्या है पाश्चन सीरीज, ये भाई रेड से, ठीक है ना, और ये भाई ये आपकी है ब्रैकेट सीरीज, और ये आपकी है पिफन सीरीज, ठीक है ना, और भाई ये एक सीरीज और उसको बोलते हैं हम्फ्री सीरीज, ठीक है ना। मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ समझ में आ गई, ठीक है ना। तो आप समझे मेरी बात की, जब आप मॉलिकुलर हाइड्रोजन में से क्या पास करते हो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, तो उसमें जो लाइट एमिट होती है उस लाइट को आपने जब कंपोनेंट्स में सेपरेट किया तो आपने क्या पाया कि उसमें से भाई एक सिंगल रेडिएशन, एक सिंगल वेव नंबर की या वेव लेंथ की रेडिएशन उसमें से एमिट नहीं होती, उसमें से क्या बोलते हैं मल्टीपल वेव लेंथ्स की रेडिएशन उसमें से एमिट होती हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एक सीरीज क्या कहलाती है लाइमन सीरीज, एक बाल्मर, एक पाश्चन, एक ब्रैकेट और एक पिफन सीरीज, ओके। लाइमन सीरीज कहाँ पड़ती है आपकी अल्ट्रावायलेट रीजन में, जो आपकी बाल्मर सीरीज वो विजिबल रीजन में, जो आपकी भाई पाश्चन सीरीज वो आपकी नियर आईआर में, और ब्रैकेट सीरीज आपकी मिड आईआर में, और आपकी जो भाई क्या बोलते हैं पिफन सीरीज वो आपकी पड़ती है फार आईआर के अंदर, ठीक है। तो ये है भाई आपका स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम।